अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? ये माशाल्लाह यहाँ तक पहुँच गए हैं इस एज तक। इसका मेल जो है इस पेड़ का वो एक्सपायर हो गया हुआ था, और सबसे अच्छा मेरा ये पेड़ है जिसका मेल जो है वो सडनली किस वजह से एक्सपायर हुआ कुछ समझ नहीं आई, और इसके बच्चे भी एक्सपायर होते रहे। माशाल्लाह इसने 6 अंडे दिए थे जिसमें से 4 5 बच्चे निकले, 5 में से अब ये बेचारे 2 बचे हैं और इस एज तक पहुंच गए हैं। ये है जनाब इसकी फीमेल जिसका मेल जो है एक्सपायर हो गया था। जी ये हैं जनाब कॉमन वाइट के बच्चे, एक ये है इसके भी बच्चे, शायद पता नहीं क्यों एक्सपायर हुए मुझे कुछ समझ में नहीं आई। और अब एक माशाल्लाह इसने एक एग भी ले किया हुआ, इनको फीड भी करवाया हुआ है मगर मुनासिब लिहाज से। एक ये पेड़ है जनाब इसकी फीमेल, मैं बाद में लेकर आया था क्योंकि इसकी फीमेल एक्सपायर हो गई थी, और इसमें एक एग इसका चिक भी निकला हुआ है। ये है इस पेड़ का चिक, शायद मौसम की वजह से बच्चे काफ़ी एक्सपायर हुए हैं हर पेड़ के, उसमें से इसके भी एक्सपायर हुए थे जिसमें से ये इस एज तक पहुंच गया। अल्लाह खैर करे, अल्लाह आगे इसकी ज़िंदगी करे, सीधी सी बात है। ये है जनाब वही पुराना हमारा प्यारा सा मिठू, ये हैंड फीड करवा के माशाल्लाह इसको यहाँ तक ये पहुँचा है। बाकी ये जीते जाते हैं साथ साथ ही होता है, देखिएगा ये अभी इधर आ गया। और पास आ गया। ये है जनाब बजरी हमारी, ये उसी कॉमन वाइट के एक और हैंड फीड करवाया हुआ बच्चा है, इसको मैंने आज सुबह ही छोड़ा है यहाँ पे। और ये देखें ये मेरे बिल्कुल ऊपर कमर पे आके बैठ गया, ये देख रहे हैं। बच्चों के साथ लगे मैं, ये देखें ये दूसरा एक पेड़ है जिसके ये बच्चे हैं। तीन बच्चे इसके हैं और मेरे ख्याल में 3 के 4 बच्चे दूसरे हैं। ये तो ओपन है इसलिए इसके मैं क्लियर देख सकता हूँ, दूसरा जो केज के अंदर है ये वाला इसके जो है वो बच्चे क्लियरली देखे नहीं जा रहे कि कितने हैं, 3 हैं 4 हैं, इस वजह से
जी दोस्तों, ये आज की वीडियो, अभी इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।